alaikum and thank you everyone for being here. Sorry. Eid Mubarak to everybody. Thank you so much. And sorry, हम अमूमन घर में रखते हैं लेकिन वो बारिश हो गई तो सब खास में सब कीचड़ वीचड़ है तो आपकी सब सुंदर ड्रेसेस ख़राब हो जाती लड़कियों की तो इसलिए यहाँ पे आज हमने खाना रखा बट बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए और आज के दिन भी हर दिन भी हमेशा के लिए आप लोगों को बहुत खुशहाली मिले एंड यू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर थैंक यू कितनी खास है ये वाली 2017 की एक्चुअली यार हर मौका चाहे दिवाली हो ईद हो जो भी हो साथ में मिलने का जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है हम तो घर में सिर्फ दुआ करते हैं और ऐसे कपड़े पहनाते हैं पहली बार मेरे बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और आखिरी बार उस दिन बाद में नहीं पहनते बट हैविंग सेड दैट ऑल्सो आई बीन वर्किंग फॉर 25 ईयर्स सो इट्स इवन मोर स्पेशल दैट आज के दिन सब कुछ है सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वर्किंग आई मीन आई थिंक मुझे कल मालूम परसों मालूम पड़ा कि 25 साल हो गए मुझे अभी भी पूरा कैलकुलेशन नहीं मालूम है किस हिसाब से 25 साल हुए मुझे ऐसा लगता है 26 से 27 हो गए बट इट फील्स वेरी गुड यार आधी जिंदगी निकल गई आई बी 52 दिस ईयर सो हाफ माई एज इज़ गॉन मैं ये सर्विस कर रहा हूँ कि एक्टिंग कर रहा हूँ और अपने लिए भी की मैंने बहुत अपने लिए भी बहुत नाम कमाया खुशी कमाई और फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम करता रहूँ कि लोग उस काम से खुश हों सो 25 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम है आई वॉज सिटिंग विद माई फैमिली द अदर डे एंड आई वॉज डिस्कसिंग एंड दैट्स हाफ माई लाइफ टाइम सो इट्स अ लॉट ऑफ गुड विशेज एंड आई कैन ओनली थैंक पीपल सिर्फ मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ सबका कि इतने सालों तक मुझको बेयर किया और इतने प्यार से बेयर किया है और इतनी खुशी से बेयर किया है सो थैंक यू एवरी वन एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल यार मुझे समझ नहीं आता अमूमन घर में अगर हम ईद का कोई फंक्शन रखें या दिवाली का रखें तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती फिर वो सारा दिन जो है रात भर उसमें काम लग जाता है मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आप लोगों से सबसे ज़्यादा मिलता हूँ सो ईद के मौके पर या हर मौके पर ऐसा कहा जाता है कि जिनके साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती हो उसको मिलो तो बेहतर है सो इट्स वेरी नाइस टू मीट ऑल ऑफ़ यू एंड वन लिटिल रिक्वेस्ट यार वो जब फोटोग्राफर्स हैं ना अपने यार वो बच्चों की तस्वीर लो थोड़ा प्यार से लो यार एक दो फोटो लेके छोड़ दिया करो उनको यार प्लीज हाँ यार इट्स रियली ब्यूटीफुल आई डोंट नो इफ आई वुड एवर हैव अ यू नो नॉर्मली ऑन अ वीकेंड और समथिंग व्हेन माय सन टेल्स मी पीपल्स हैव कलेक्टेड बच्चा लोग हैव कम तो मैं बाहर जाके वेव करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे मालूम पड़ता है अभी सोशल मीडिया के थ्रू कि लोग जो हैं अलग अलग शहरों से आते हैं जस्ट टू विश मी एंड आई वॉन्ट टू थैंक दैम ऑल मुझको बिकॉज वो ऑर्गेनाइज नहीं है सबसे मिला नहीं जाता बट आई एम रियली टच्ड बाय कि इतने लोग हर सालों से घर के बाहर आते हैं ऑफकोर्स मुझे माफ़ी भी मांगनी चाहिए नेबर्स से और ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो मुझे मालूम है गुस्सा हो जाते हैं लोग बड़ा हॉर्न वॉर्न बजाते हैं गाड़ी का आई एम रियली सॉरी अबाउट इट बट आई विश आप लोग दुआ करें कि मेरे घर में गार्डन इतना बड़ा हो जाए कि सबको अंदर समा सकूँ कुछ तो समझता है मुझे मैं एक्चुअली मेरे पास ना एक टॉय रूम है अब्राम का जिसमें बहुत सारे टॉयज हैं हंड्रेड्स ऑफ टॉयज तो मैं हर एक्चुअली उसके लिए हर दिन ईद होती है यार मैं हर रोज़ को एक नया टॉय निकाल के उसको देता हूँ विद माय डॉटर एंड सन फॉर्चुनेटली इस साल वो यहाँ पर हैं दोनों आए हुए हैं स्कूल से सो आई थिंक विल जस्ट सिट टुगेदर एंड चैट एंड मैं कोशिश करूँगा उनके लिए खाना बनाऊँ आज अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसा अगर वक्त मिलेगा तो खाना बनाता हूँ उनके लिए नहीं मुझे पास्ता ही बनाना आता है थोड़ा सा बस इटालियन ज़्यादा चीज़ें आती थी मुझे मेरा मेन्यू एक दो चीज़ें ही हैं तो मैं कोशिश करूँगा अगर बन गई तो एक बार बनाया था मैंने घर में अभी रिसेंटली अभी मैंने पूरा कभी बनाया नहीं है ऐसे एक बार बनाया था तो मेरी बेटी ने कहा ठीक ठाक बन गया तो अभी सेकंड टाइम बनाऊंगा आई थिंक आई ट्रूली बिलीव जितनी भी हाउ डू से ट्रेडिशंस होते हैं रिलीजन होते हैं बड़ा पर्सनल मामला है यार आई थिंक चिल्ड्रन ग्रोन अप्स एवरीबडी शुड बी लेफ्ट टू लर्न इट देमसेल्व्स हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दी सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वॉज रिफ्यूजी कॉलोनी तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे एंड देन यू लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर बिकॉज यू लर्न ईच अदर्स रिलीजन ऑन योर ओन सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम
तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है। कभी रात को बैठ के मैं, अभी रिसेंटली मैं पिछले डेढ़ साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लव द स्टोरीज इन इट, तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम। सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के, तो वो भी मैं उनको बताता हूँ, बट आई टेल देम माई स्टोरीज एंड आई होप दे लर्न ऑल द रिलीजन्स ऑन देयर ओन एंड रिस्पेक्ट इट एंड एंजॉय द फैक्ट दैट देयर ट्रेडिशंस एंड ब्यूटी देयर व्हिच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड लव्ड। आपने बताया कि महाभारत आप पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में सवाल है कि कोई कैरेक्टर जो आप दिखाना चाहते हैं या महाभारत के? नहीं यार, अभी तो उसके तो 18 वॉल्यूम्स हैं कुछ यार, अभी तो पढ़ना शुरू किया, बहुत ज़्यादा है वो, थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज बाय द टाइम यू रीच द सेकंड चैप्टर ऑफ वॉल्यूम पहले वाले नाम सब भूल जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं, तो मुझे लिखने पड़ते हैं। आई थिंक ईच वन ऑफ देम स्टोरीज बहुत अच्छी हैं यार, आई थिंक कैरेक्टर्स आर मेड बाय द स्टोरी एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड। सो बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। अभी आई एम सॉरी, आई एम रीडिंग इट इन इंग्लिश, सो आई जस्ट फिनिश द फर्स्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट, जब यज्ञ वगैरह शुरू होता है तो द प्रीक्वल टू द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी टेलिंग, यू नो जब असुरास के अगेंस्ट जो यज्ञ शुरू हुआ। जैसा मैं आपको समझाया उसके मिनी ट्रेल्स हैं यार, तो ये आज का दिन फिल्म का नहीं है तो मैं फिल्म की बात नहीं करना चाहता, बट उसके मिनी ट्रेल्स हैं, छोटे छोटे हम एपिसोड्स लाते रहेंगे और गाने लाते रहेंगे, तो आई थिंक इंशाल्लाह अभी आई थिंक दो चार दिन में अगला वाला आने वाला है। आई थिंक वी हैव केप्ट अ पीरियड ऑफ 10 days या 7 days, मुझे पूरा एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट उसकी फिक्स डेट्स है अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट एंड सोशल मीडिया, सो आई थिंक अगला वाला भी दो चार दिन में आने वाला। मैं तो यार 18 से छोटा हूँ तो वोट नहीं कर सकता। यार ये महकमे हैं, आई थिंक जो भी बोर्ड्स हैं हमको बता देंगे, वो डायरेक्टिव दे देंगे जब फिल्म आएगी, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, तो आई होप जब फिल्म वो पूरी देखेंगे, आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट आई डोंट नीड टू से दिस बट इम्तियाज अली, माई सेल्फ, अनुष्का, रेड चिलीज, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस फिल्म में, प्रीतम, राइटर्स, इशाद कामिल साहब, आई थिंक हमने कभी भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात फैमिलीज के लिए या कोई ऐसी बदतमीजी करने की हमें ज़रूरत नहीं अपनी फिल्मों में उनको चलाने के लिए। सो होपफुली एवरीबडी विल सी इट वेन द फिल्म इज़, अभी तो सेंसर के लिए गई नहीं, जब वो पूरी फिल्म को देखेंगे मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बातें उनको ठीक नहीं लग रही, और अगर नहीं लग रही तो हम उसको चेंज कर देंगे, बट आई थिंक जब पूरा फिल्म देखेंगे सो दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड। हाँ यार, मुझे बहुत अच्छी लगी यार, मैंने एक्चुअली डेढ़ बार देखी, मैंने डेढ़ बार देखी फिल्म यार, मैंने पहला पूरी फिल्म देखी, फिर उसके बाद अगेन द फर्स्ट हाफ आई सॉ इट एट 4 in the morning, मुझे बहुत अच्छी लगी। सलमान प्रेज यू अ लॉट, यू जस्ट सेड ऑन वन कॉल एक्चुअली यू एग्रीड टू द रोल एक्चुअली, कोई मना ही नहीं कर सकता, कौन मना कर सकता उसको, किसकी हिम्मत है। थैंक यू वेरी मच, मैं मेरे दोस्त हैं सब, कबीर, सलमान, एक्चुअली उस टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मैं बहुत पुराना पहले से जानता हूँ, एक्चुअली फिल्मों से पहले से जानता हूँ, कबीर, उनकी वाइफ, उन सबको, सो वो मेरा आई थिंक इट वॉज माई ड्यूटी टू डू दैट एंड आई एम हैप्पी कि मैंने ठीक ठाक किया, क्योंकि एक सीन के लिए फिल्म में आओ जैसे ए दिल है मुश्किल या ट्यूबलाइट में, तो इतना कहानी वगैरह का इल्म नहीं होता, बट आई थिंक मैंने भी देखा अपने आप को, तो मैं ठीक ठाक किया तो मुझे खुशी है कि ठीक ठाक हो गया। लेकिन अब आगे अगर इसकी कोई कहानी मिले तो आपके मन में कौन के साथ काम करने की इच्छा? मैंने जैसे कहा कबीर बहुत पुराने दोस्त हैं यार, मैंने उनकी हाँ स्कूल में जो वो प्लेस करते थे, हाँ इंशाल्लाह यार, मतलब ये सब दोस्त हैं, हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं, सालों से सुनते हैं उनके साथ, और जब भी कोई चीज़ ऐसी लगेगी जो हम साथ मिल के कर सकते हैं तो 100%, अभी कोई ऐसी ऑन द एनविल कोई चीज़ नहीं। When you have children, I have 3 of them, I think you start becoming gentler, और फिर जो पुरानी बातें हैं जो बचपन में शायद लगती थी कि ठीक ठाक हैं, ऐसे इतना हम उसको जो फ़लसफे होते थे, अच्छी बातें होती थी, उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे, बट एज़ यू ग्रो ओल्डर आई थिंक यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स, और बीइंग एन एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर कई बारी मैं वो चीज़ें अपनी फिल्मों में भी लेकर आता हूँ,
जो कहानियाँ सुनी हुई हैं या मोमेंट्स सुनी हुई हैं. आई विल नॉट बी एबल टू से कि मैं अब एज के साथ फिलोसॉफिकल हो गया. मेरे घर वाले तो बोलते हैं मैं 15-20 साल से ही बोर कर रहा हूँ अपने फिलोसफी से. सो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया. बट या आई डू थिंक गुड थिंग्स. आई डोंट थिंक बैड थाट्स एंड आई लाइक टू रीड अ लॉट एंड अंडरस्टैंड दूसरे लोग कैसी सोचते हैं. सो ऐसा नहीं एज के साथ नहीं. आई थिंक अपनी अपनी एक कुवत होती है, अपना एक अपनी पर्सनैलिटी होती है आदमी कैसा बनता है. I write sometimes. जब मैं अकेला आउटडोर पे होता हूँ तो लिखता हूँ. मूवमेंट घर में तो वक्त ही नहीं मिलता. बट इफ आई एम आउटडोर पैकअप हो गया आई एम सिटिंग इन द रूम देन आई राइट. थैंक यू सो मच गाइस. हाँ वो एक बुक है यार, वो ख़त्म ही नहीं हो रही. मतलब ऐसे एक्चुअली वो यही थे 20 साल फिल्म इंडस्ट्री में के बारे में थे. तो मैं अभी लिख रहा हूँ. तो मैं पहले भी बताया भाई ये बात. एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मेरा जब बेटे का जन्म हुआ आर्यन का तो किताब ख़त्म हो. फिर बेटी का हो गया तो मुझे लगा गलत है बेटी के जन्म पे ख़त्म हो. अब अब्राहम का हो गया और वो काफ़ी वक्फे बाद हुआ है 10-11 साल बाद. तो अब है कि वहाँ तक लेके आनी है मुझे कहानी. सो आई थिंक वो सब अच्छा हैप्पी होगा. बट इट इज़ जस्ट मोमेंट्स आई हैव स्पेंट विद ऑल ऑफ यू एंड द फिल्म इंडस्ट्री एंड वर्किंग इन. इतनी टेक्निकल किताब नहीं है, इट्स अ ह्यूमरस और फिलोसॉफिकल इमोशनल बुक. पहले मैंने लिखा था 20 years ऑफ अ डेकेड. तब ऐसा लिखा था कि 10 साल में ऐसा लगता है 20 साल की ज़िंदगी जी ली. अब तो 25 हो गए तो आई थिंक वो टाइटल थोड़ा गलत हो गया. वहाँ क्वाइट ऑसम और मुझे बहुत गर्व है कि हमारी टीम ऐसा कर रही. हमने जैसे हॉबिट और बहुत सारी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड हम बहुत लोगों से मिले और जो हम कर रहे हैं काफ़ी लोगों ने कहा इस समय के अंदर द अमाउंट ऑफ टाइम वील स्पेंड पॉसिबल नहीं है. तो बहुत चैलेंजिंग है. हमने जैसे आपने कहा 12-15 दिन की शूटिंग कर ली और हमारे पास 11-12 मिनट फिल्म के एडिट हैं. अभी मुझे आनंद ने कहा है मैं थोड़ा और एडिट करके दिखाऊंगा. बट वी आर रियली रियली वेटिंग कि वो जैसे ही वो वैसा हो जाए. बट उसमें बहुत वक्त लगता है. तकरीबन 30 सेकेंड के लिए 2 महीने लगते हैं उसको फुली देखने में. सो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म दिसंबर में ख़त्म हो जाए. तो आज से शुरू हुई है जैसे तो 15-16 महीने लगेंगे पूरी फिल्म को ख़त्म करने. तो एज़ इज़ बीइंग डन वो VFX में जा रही है. हमने नया ऑफिस बनाया गोरेगांव में स्पेसिफिकली फॉर द फिल्म एंड अदरवाइज क्योंकि बड़ी जगह चाहिए एडिट पोस्ट DI सब करना. सो बहुत एक्साइटिंग है. मतलब आई एम रियली रियली डाइंग टू सी. थैंक यू सो मच.